जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले हैं कि सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है, तो हम अभी सिंधु तो अभी जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। नहीं, मुझे ही नहीं, सब दुनिया को बहुत खुशी की बात है। नो डाउट हमें थोड़ा नाराज़ होना पड़ा कि हम गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर आदमी यही सोचता है, लेकिन बोलने में बहुत आसान है गोल्ड मेडल लाना मतलब, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और सेमीफाइनल में, ठीक है हार गई लेकिन ब्रॉन्ज भी लाई है, तो जब भी सिंधु गई देश के लिए कुछ लाई है, तो मैं इस तरह मानता हूँ, पहले गई तो लाई है, अभी गई तो लाई है देश के लिए मेडल, तो मैं बहुत खुशी हूँ। हर प्लेयर तो निराश तो होता है, मैंने बोला कि बेटा हो गया, आपने तो अच्छा खेला है, ये बस होगा ऐसा, सो इसीलिए वो छोड़ दीजिए, जो रात गई तो बात गई, ऐसा करके आप छोड़ दीजिए, अभी इस गेम को कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पहले सुशील जी का 2 मेडल है ब्रॉन्ज, तो अभी सिंधु अगर जीतेगी तो पहली भारतीय महिला होगी कि 2 मेडल देश के लिए ओलंपिक्स में वन आफ्टर द अदर ले आई है। तो आप तो जानते हैं अगर लूजिंग सेमीफाइनल खेलना तो बहुत पेनफुल का मैच होगा, लेकिन ओलंपिक्स का तो अलग बात है, इसलिए आप नहीं छोड़ना है करके मैंने उसे बताया है। कोच बहुत अच्छे मेहनत किया था बच्ची के साथ, और उन्होंने ही हैज़ गिवेन दैट फ्रीडम कि सिंधु आप एक कभी रेस्ट होना तो लीजिए, कभी कैसा होना आप बोलिए, लेकिन सिंधु तो रेस्ट नहीं लिया था।